हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस यार, आज हम लोग शुरू करने वाले एक बेहतरीन सीरीज जिसका नाम है माइनक्राफ्ट सीरीज। और ये गेम आज तक का सबसे बेस्ट गेम है मेरे हिसाब से। मतलब मैं GTA 5 खेलता हूँ, बहुत सारे गेम्स खेले हैं, लेकिन इस गेम में जो मज़ा है ना यार, वो दूसरे गेम में बिल्कुल नहीं है। और मैं आपको बता दूँ कि ये गेम मैंने शुरू करते हुए सिर्फ एक हफ्ता हुआ है। और मैं सच्ची बता रहा हूँ, कसम से मेरे को क्रिएटिव मूड में जाना बिल्कुल नहीं आता। ये सब मैंने अपने आप अपनी मेहनत पर इस सर्वाइवल मूड पर बनाया है। तो कमेंट्स पे जाके ज़रूर बताना आपको मेरे कैसल कैसा लगा। और आज हम करने वाले हैं मेरे कैसल का दर्शन। मेरे ख्याल से कैसल दुनिया का सबसे बेस्ट कैसल है, ऑब्वियसली इसे मैंने बनाया है। तो चलिए एक बार अपने कैसल की ओर देखते हैं। तो ये है मेरे कैसल का एंट्रेंस। तो एक्चुअली पहले बाहर दिखाता हूँ मैं आपको। तो ये है मेरे कैसल का गेट और ये बाहर का लुक और ये दुनिया का सबसे बड़ा दिल, द सिंबल ऑफ लव। देयर इज ऑलवेज पीस ऑन अर्थ। तो छोटे छोटे को सब होता रहता है दुनिया अरे में। कहना और क्या चाहते हो? ये है मेरा रेलवे स्टेशन। ये डिफरेंट डिफरेंट स्टेशन है इधर, मैं आपको बाद में दिखाता हूँ। और ये है मेरा अपना नेदर पोर्टल जो मैंने बहुत ही मुश्किल से बनाया है। मुझे डायमंड्स ढूंढने थे, फिर लावा को पानी में मिक्स करना था, तब मुझे ऑब्सीडियन मिला, फिर ऑब्सीडियन से मैंने नेदर पोर्टल बनाया। मैं नेदर पोर्टल में भी आपको एक बार जाके, नहीं अभी नहीं, आपको फिर किसी एपिसोड में ले जाऊंगा। एक दिन पूरा टाइम स्पेंड करेंगे उधर, रेड मारेंगे सब पे। और ये है मेरा छोटा सा फार्म जिसको मैं पूरा इधर साइड पे एक्सटेंड करने वाला हूँ। इस तरफ से नेदर पोर्टल रखेंगे। लुक बहुत बढ़िया है कासल की। और इधर में एक एक गैप छोड़ के इसके अंदर मेरे को पानी भी भरना है यार, नहीं तो पौधे उगते नहीं अच्छी तरह। और इधर मैंने बहुत सारा पानी रखा है पहले, और मैंने अपना कासल पानी के पास बनाया ताकि मेरे को पानी की कभी कमी ना पड़े। और ये मेरा रेलवे स्टेशन जाता है सीधा रेन फॉरेस्ट पर। मैं आपको लेके चलता हूँ सीधा फॉरेस्ट पर, जाता है वो पूरा कासल। और अभी मैं आपको अपना कासल का दर्शन कराता हूँ अंदर से। तो गाइज ये है मेरा कासल अंदर से, मैंने आपको पहले दिखा दिया होगा। और ये है मेरा अंडरग्राउंड वाटर फ्लोरिंग। इसके अंदर आपको मछलियाँ भी देखने को मिलेंगी। बहुत ही मुश्किल से मैंने बनाया है, काफ़ी कैलकुलेशन लगा, लेकिन देखने में बहुत सुंदर है। ये है मेरा रूफ, ये है इस कासल का छत, और ये है मेरा ग्राउंड फ्लोर। ये है हमारा लॉकर रूम। इसके अंदर सारी क्रेट्स वगैरह हैं। इसके अंदर है मेरे पास डायमंड। डायमंड को देख के मैं बहुत लालची हो जाता हूँ। और ये है मेरे पास सारी कीमती चीज़ें जो मुझे मुश्किल से मिलती हैं। इधर है थोड़ा खाना वगैरह वो सब, और इधर है अपना कंस्ट्रक्शन का सामान और वगैरह वगैरह। इधर ये सब है मेरे पास, डायमंड की पिकैक्स भी है, और इधर कुछ भी नहीं है, सब नीचे। और इधर मैंने नीचे की तरफ भी एक लेवल बनाया अंडर वाटर, अंडरग्राउंड का एक लॉकर। और ये मेरे पास ऑटोमेटिक डोर है, देखा बहुत तगड़ा है ना। और ये है हमारा स्लेव चैम्बर। इसके अंदर हम अपने काम करने वाले विलेजर्स को रखेंगे। मैं उनको एक दिन ज़रूर लेके आता हूँ इधर पीछे से। इधर पीछे एक विलेज आपको दिखाता हूँ अभी। और हम एक दिन विलेजर्स को ला के इधर रख देंगे और इधर अपना एक विलेज शुरू करेंगे, ठीक है। और इतना है, और अभी मैं आपको अपना फार्म दिखाता हूँ उस तरफ है फार्म। ये सब मैंने ग्लास का बनाया ताकि मैं इधर से खड़े होकर इनको देख सकूँ क्या क्या हो रहा है उस तरफ, बार बार खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये है अपना वर्क स्टेशन। इधर सिर्फ क्राफ्टिंग टेबल और फर्नेस रखा है अभी के लिए, और कुछ नहीं है। एकदम फिर से इसके अंदर कुछ नए नए टेबल्स रखेंगे। और ये है मेरी भेड़ें, इनको मैं बहुत अच्छी तरह मारता हूँ। और उधर है हमारी मुर्गियाँ। इधर मेरे पास एक लामा था, इसको मैंने गलती से मार दिया, बहुत बुरा लग रहा है यार। और इधर नीचे कुछ भी नहीं, इधर मेरे पास पेंटिंग्स है। और ये है मेरा बेडरूम, और ये इंसान की तरह दिखने वाला है क्योंकि इसके अंदर दो आँख है, एक मुंह है और दो आईब्रोज है, बहुत बढ़िया है। इधर है एक ट्रिबल बेड सिस्टम, और ये है मेरा प्यारा पेट। और मेरे आपको अपने घर के वर्कर से नहीं मिला, ये देखो ये मेरे घर के बॉडीगार्ड है, मेरे को कुछ नहीं करते ये तीनों ने। कई सारे थे, मैंने बाहर भी बहुत रखे थे, लेकिन बाहर पता नहीं कुछ क्रीपर का ब्लास्ट हो गया था शायद इधर, और सारे मर गए। और अभी हम चलते हैं सीधा फर्स्ट फ्लोर पर। मैं आपको दिखाता हूँ फर्स्ट फ्लोर बहुत तगड़ा है, और इधर कुछ भी नहीं, ये बस मेरे घूमने की जगह है। और इस तरफ है मेरा स्विमिंग पूल, और ये आपको मेरा लिफ्ट है, मेरा घर पे बनाया होममेड लिफ्ट। मैं आपको दिखाता हूँ इसे होता क्या है। मैं इसे ऊपर जा सकता हूँ सीधा, और ये है मेरा जंपिंग स्पॉट ताकि मैं सीधा आऊँ और इधर से स्विमिंग पूल पर जंप मार सकूँ। एक बार जंप मार के दिखा दूँ, ये बहुत सी सही बनाया मैंने, लेकिन मेरे को अपने ऊपर ही बहुत प्राउड फील हो रहा है कि मैंने इतना सुंदर बनाया। और ये हमारा नीचे का
ग्लास फ्लोरिंग, ये मैंने ऊपर स्विमिंग पूल को इधर नीचे ग्लास रखा था कि ये थोड़ा वाटर वाटर अच्छा लगे इधर ऊपर रूफ की तरह। और कुछ भी नहीं भाई मेरे कैसल में, लेकिन अच्छा है, बहुत मेहनत लगी थी। और इधर कुछ भी नहीं मेरे कैसल में वैसे। और अभी हम लोग बाहर की तरफ चलते हैं और देखते कि क्या है। तो अभी रात हो गई है, बहुत सारे क्रीपर्स और जॉम्बी स्पॉन हो रहे होंगे, लेकिन हमें डरने लगता है क्योंकि हम जाने वाले हैं अपने सुपर फास्ट रेलवे स्टेशन से। तो ये है अपना रेलवे स्टेशन, मैं आपको दिखाने नहीं शायद, है ना, ये है अपना रेलवे स्टेशन और इसके अंदर अभी चलते हैं। क्या मैं ये दिखाने लाया था? और इधर है अपना रेन फॉरेस्ट स्टॉप। तो चलो ये वाली ट्रेन जाती है सीधा रेन फॉरेस्ट को, अभी हम पहले रेन फॉरेस्ट जाके आते हैं यार। लेकिन रात में निकलने का मजा करो, सिर्फ अपने कासल में लाइटें लगी और कहीं नहीं। और इधर ये मैंने पूरा राउंड राउंड बनाया है यार, मेरे कासल पे भी बहुत सारे जॉम्बीज आ जाते हैं, लेकिन कोई नहीं। अब चले उधर, देखो भाई नीचे देखो कितने सारे क्रीपर्स और जॉम्बीज खड़े हैं, इनको मैं एकदम पूरी इनकी जाति खत्म कर दूंगा मैं। यार ये क्या हो गया, क्या हो गया भाई, रुक गया था ये पूरा, क्रीपर ब्लास्ट होने वाला था यार भाई साहब। उधर जॉम्बीज बहुत सारे यार, ये क्या है, इधर लेवल बहुत कम हो गया है शायद, ये ग्राउंड इधर का ऊपर हो गया है और इसलिए थोड़ा नीचे आ गया। एक दिन हम इसका पूरा तोड़ के एक बार हाइट बनाएंगे, ठीक है। इधर आपको दिख गया होगा रेन फॉरेस्ट, शायद अभी नहीं, अभी थोड़ा और आगे जाना है हमें। और ये है गाइज अपना रेन फॉरेस्ट, बहुत सुंदर लग रहा है, इसमें सुंदर क्या है लेकिन अच्छा है भाई। मैंने रेलवे स्टेशन बनाया रेन फॉरेस्ट तक, अच्छा दिखता है देखने में। और रेन फॉरेस्ट से हम अभी अपने स्टेशन पर आ गए, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। और इधर से हम अभी लिफ्ट को यूज़ कर सकते हैं, ये वही लिफ्ट है जो मेरे घर पे स्विमिंग पूल पे बना है, और नीचे क्रीपर्स है वो इस लिफ्ट को यूज़ नहीं कर सकते। और मैंने ये एक रोड बनाया है ताकि हम लोग इधर चलकर इधर की सीनरी का मज़ा उठा सके। इधर को मेरे को टॉर्चेस लगाने शायद हैं मेरे पास, हाँ हैं बहुत सारे हैं, तो मैं इधर पहले टॉर्चेस लगा देता हूँ ताकि थोड़ी रोशनी हो जाए, शायद इतनी काफ़ी होंगी नहीं। इधर बहुत सारे बहुत सारे बहुत सारे बहुत सारे लगाएंगे। और मेरे कासल पे एक और रेलवे स्टेशन है जो शुरू होता है लेकिन ख़त्म बहुत जल्दी होता है। यार हमारी खाना भूख भी बहुत लगे, थोड़ा खाना खा लेते हैं हम लोग पहले। चलो अभी रात हो गई है, मैं कल सुबह के ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की आपको सैर कराता हूँ, चलो सीधे अपने कासल में चलते हैं। गाइस यार अभी मैं अपना रेलवे स्टेशन यूज़ कर कर वापस आ गई हूँ अपने कासल की ओर, और आपको मेरा कासल उतना अच्छा लगा होगा क्योंकि बहुत ही कम काम हुआ है इस पर, हम इसको कुछ ही दिनों में बहुत ही बढ़िया बना देंगे। और इधर रात का टाइम है, पहले जल्दी से चल के अंदर सो जाते हैं, फिर कल सुबह उठ के डिसाइड करते हैं कि करना क्या है। और इस कासल को हमें बहुत ही तगड़ा बनाना है यार, इतना तगड़ा कि प्यूजी पाई का भी कासल इसके सामने फेल हो जाए। तो चलो चल के पहले सो जाते हैं। तो गाइस यार मैं लास्ट नाइट सोकर उठ गया था, और तभी मुझे एक चीज़ रियलाइज़ हुई कि कासल की लुक है ना किसी वजह से ख़राब हो रही है, तो इसको हम बाद में फिक्स कर देंगे। रीज़न क्या है भाई, इधर रात में इधर इतने सारे टॉर्चेस लगे हैं ना, मैं आपको बता दूँ मैंने इतने सारे टॉर्चेस रखे क्यों हैं। एक्चुअली जब जावा एडिशन में क्या होता है, अगर आपके घर के पास या कहीं भी अंदर होता है तो उधर जॉम्बीज वगैरह अपने आप स्पॉन होने शुरू होते हैं, अपने आप आ जाते हैं, और वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है सच्ची में, वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, इसलिए हमें इन सबको हटाना होगा। इसलिए मैं इधर एक छोटे छोटे रूम बनाऊंगा और इधर अपने सर्वेंट्स को रखूंगा। हाँ एकदम सही है। तो गाइज बहुत ही अच्छा कासल था, आपको लगा होगा शायद, अगर नहीं लगा तो भी लाइक कर देना, अगर लगा तो लाइक ज़रूर कर देना। और मिलते हैं अगली वीडियो में, देखने के लिए बहुत 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 ही शुक्रिया।